हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्टडीज क्लासेस। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इनमें कैसे इन्वेस्ट करना होता है और इनको किस तरह एनालाइज करना होता है, ये एक इस सीरीज का पहला पार्ट है। मेरा जो थॉट प्रोसेस है इस सीरीज के ऊपर कि मैं इसके अंदर अपने व्यूवर्स से पूछूं कि वो किस टाइप के वीडियो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड होता है। जिस टाइप के वीडियो आप चाहेंगे मैं उसी टाइप के वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसमें वीडियोस में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे ट्विटर का भी इसके वीडियो के अंदर ही लिंक दिया है, तो आप वहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का वीडियो देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड जो है वो एक कंपनी होती है जो अपने इन्वेस्टर्स का, कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पुल करती है, यानी इकट्ठा करती है और उसे अपने हिसाब से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में भी कई सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। एक तरह से ये ऐसा लग रहा है कि एक मिडिल मैन है जो आपका पैसा लेगा और सिक्योरिटी में देगा, बट ये कॉन्सेप्ट इस तरह का नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स दिखेगा, अलग अलग प्रोफेशन से है, कुछ स्टडीज कर रहे हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, ये सारे टाइप के लोग आपको यहाँ दिखेंगे। इन सबके पास दो चीज नहीं होती, एक तो इनके पास टाइम नहीं होता और दूसरी बात इनके पास नॉलेज नहीं होता है। टाइम हो सकता है इनके पास हो भी इन्वेस्ट करने का, बट इनके पास उतना नॉलेज नहीं है कि ये पहले नॉलेज गेन करे और फिर इन्वेस्ट करे, तो इसलिए वो चाहते हैं एक एक्सपर्ट एडवाइस, एक एक्सपर्ट जो उनका पैसा लगा सके, तो इसके लिए वो जाते अपना पैसा लेके एक म्यूचुअल फंड के पास। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि उनका जो पैसा है उसे अपने पास पूल कर देता है, यानी इकट्ठा कर देता है, और फिर म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो अपने हिसाब से देखते हैं कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब ये इतना भी सिंपल नहीं कि डायरेक्टली वो इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पहले अपना एक फंड का मैंडेट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फंड है जो सिर्फ लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, तो वो छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। एक ऐसा फंड हो सकता है जो हर टाइप की इक्विटी कंपनी में करे, तो वो इक्विटी के अलावा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बॉन्ड में नहीं कर सकता, रियल एस्टेट में नहीं कर सकता। तो इस तरह से इन सबका कुछ मैंडेट होता है जिसे इन्हें फॉलो करना होता है। तो इन सब के बारे में भी हम किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं इन सब के बारे में हम और आगे अच्छे से जानेंगे, बट हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमारा पैसा एक एक्सपर्ट से हमें इन्वेस्ट कराना है, इसके लिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये जो फंड मैनेजर है और पूरा म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो अपना कुछ कमीशन काटेगा, तो जो रिटर्न आपको मिलता है वो एग्जैक्ट उतना रिटर्न नहीं होता जितना टोटल आपका पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट है। वो बीच का कुछ कमीशन कटता है और उसके बाद आपको पैसा मिलता है, तो वो जो कमीशन कटता है उसको बेसिकली बोलते हैं परफॉर्मेंस फी। और उसके अलावा एक जितना भी इन्वेस्ट आपने अमाउंट किया है उसके मैनेजमेंट के लिए जो इनका पूरा पैसा लगता है, टाइम लगता है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट फी। तो ये दो चीजें हैं जो आपको समझना होगी। इसके बारे में भी आपको डिटेल मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी आप जाके डिटेल्स पढ़ेंगे फंड की तो, कि कितनी फीस वो चार्ज कर रहे हैं और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है ये सबका। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं समझना कि इसको कैसे एनालाइज करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के लिए हम सबसे पहले ग्रो नाम से एक वेबसाइट है उस पर हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका ऐड करने के लिए ये वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसको खुद यूज करता हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो मैं आपको एक एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप हो सकता है कि आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन हो कुछ अलग कंपनीज की जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने और उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी हो, तो आपको अगर ऐसी दूसरी कंपनीज मिलती है आप डेफिनेटली उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन है कि ऐसी ही किसी ऐप में इन्वेस्ट करें जहां पे आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड को एक साथ देख सकते हो और उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो रीजन है कि ऐसे ऐप्स में इन्वेस्ट करने का वो ये है कि आप यहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट देखिए, मैं इसको इस तरह मत देखिएगा कि आप इसी को कॉपी कर ले, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये सुटेबल ना हो, मैंने अपने हिसाब से बनाई हो। बट यहाँ पे ये जैसे मेरा एक कंपनी है उसका एक फंड है, निपोन इंडिया कंपनी है उसका एक फंड है, कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड का फंड है, तो ये अलग अलग तीन कंपनी है। अगर मुझे एक्चुअली कंपनी पे जाके इन्वेस्ट करना होता तो ये तीनों म्यूचुअल फंड में मैं अलग अलग इनकी वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट करूंगा, या इनके अगर ऑफिस हो सिटी में तो वहां जाके इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर उसका लिए अलग अलग तरह से इनको मुझे रोज इनका अगर मुझे इसका फॉलो अप लेना है, इसका अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न वगैरह देखना है, तो फिर अलग अलग जाके उसका पता करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे ये सारी इन्वेस्टमेंट्स और मेरा रिटर्न इसके अंदर दिख रहा है मुझे। आप यहाँ पे देखिए कि हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या पूरा इस ग्रो ऐप का सेटअप है और कैसे हमें इसके अंदर
इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो आईडी वगैरह बनानी होगी और रजिस्टर करना होगा आधार कार्ड वगैरह इन सब डिटेल्स से, तो वो आपको जैसे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे वो सिंपल इंग्लिश में आपको समझाएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। अब यहाँ पे जो चार चीजें और एक्स्ट्रा दी है, यूएस स्टॉक, एफडी, गोल्ड स्टॉक्स, इनके बारे में हमें अभी नहीं देखना है, ये सारे अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा, अभी हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में देखना है। तो फर्स्टली आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पॉपुलर जो फंड है उसके बारे में बताया गया। एक बार और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो सेटअप है इसका जो एक यूआई है वेबसाइट का, सिमिलर यूआई मिलेगा आपको ऐप में भी, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि वहां पे आपको कुछ अलग तरह से इसे दिखाई दे, उसको अंदर भी सिमिलर ही दिखेगा, तो यहाँ पे आप समझेंगे तो वहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉपुलर फंड्स जो है इस ग्रो ऐप के वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, बट उसके अंदर नहीं जाना होता है हमें, हमें यहाँ पर देखना चाहिए ये जो हैंडपिक कलेक्शन है, यह आपको बताएगा कि हाई रिटर्न वाले एक सेट, हाई रिटर्न मतलब कि वो म्यूचुअल फंड जो बहुत ज्यादा हाई रिटर्न देते हैं, जितना रिटर्न उतनी रिस्क, उस हिसाब से ये सेट बनाया गया है। जिनको हाई रिटर्न चाहिए वो इसमें सिलेक्ट करेंगे, जिनको टैक्स सेविंग चाहिए वो ईएलएसएस स्कीम के अंदर जो म्यूचुअल फंड आते हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उनमें मिनिमम 3 ईयर के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है, जैसे ये मेरा मिराय टैक्स सेवर फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ फंड है, ये दोनों मैंने टैक्स पर्पज से यूज किए थे। फिर बेटर देन एफडी जो होते हैं वो जनरली कॉरपोरेट बॉन्ड फंड होते हैं, जैसा आप यहाँ पे कोटक कॉरपोरेट फंड देख रहे हैं, ऐसा ये जो होते हैं ये कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए होते हैं, तो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको बेटर रिटर्न देता है एफडी से, तो और आपका रिस्क काफी कम रहता है। तो ये इस टाइप के कॉरपोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड जो फंड होते हैं, ये इनके अंदर आपको लॉस बहुत रेयरली, बहुत हार्डली ऐसा होगा कि आपको उस फंड में जितना पैसा लगा उसका कम मिले, जनरली उससे ज्यादा ही मिलता है, तो इसलिए ये बेटर देन एफडी कहे जाते हैं कि आपका रिस्क एफडी जितना ही है या उससे थोड़ा सा ज्यादा और रिटर्न भी उससे थोड़ा ज्यादा है। अब बात आती है टॉप कंपनीज फंड की, तो जैसे मैंने कहा लार्ज कैप वाले फंड जो होते हैं उनके बारे में कहा गया है यहाँ पे टॉप कंपनीज फंड। फिर सेक्टर वेट जो होती है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे निपॉन इंडिया फार्मा फंड दिख रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट फंड दिख रहा है, ये जो है ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये दोनों फंड बहुत ज्यादा अच्छे से रिटर्न वाले दिख रहे हैं, ये डिजिटल इंडिया फंड, डायरेक्ट ग्रोथ वाले, ये जो है ये आपको अभी ज्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप देखिए कोरोना के टाइम के बाद इनका रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ा है, फार्मा कंपनीज का, टेक्नोलॉजी का इनका, तो आपको इस तरह से नहीं जाना है इसमें कि आप यहाँ पे रिटर्न देखें और पास्ट रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करें, आगे क्या क्या होने वाला है, क्या टेक्नोलॉजी या फार्मा सेक्टर उतना ही ग्रो करेगा जितना पिछले 3 साल में किया, और ये 3 साल का भी नहीं, हम इसको अगर जैसे मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ, अगर हम निपोन इंडिया देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 ईयर रिटर्न 63% है, ठीक है, और आप 3 ईयर रिटर्न पे जाएंगे तो ये 21 हो जाता है, 5 ईयर पे जाएंगे तो ये 11%। शुरुआत के सालों में इसमें कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं आया था, ये आप देखिए 23 मार्च जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से इसका रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो ये चीजें आपको समझनी होती। अब ये ऐसे ही कुछ सिमिलर सिचुएशन हो सकता है टेक्नोलॉजी फंड इन सब में भी हो, तो हम उसके बारे में आप जब देखेंगे जैसा मैंने आपको बताया 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का रिटर्न, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 5 ईयर कंसिस्टेंटली सिमिलर रिटर्न है तो आपके लिए बेटर है कि आप उस जगह इन्वेस्ट करें, अगर वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है इसका मतलब ये है कि जो एक आध पर्टिकुलर ईयर में कुछ फायदा हो गया और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 या 5 ईयर के रिटर्न में और बता रहे कि हमारा 5 साल का रिटर्न इतना ज्यादा है, तो अगर आपने जैसे उस पर्टिकुलर ईयर में इन्वेस्टिंग किया हो तो आपका कुछ बेनिफिट था नहीं उसमें, ये चीज आपको समझनी है। तो इस तरह के फंड होते हैं। अब एसआईपी क्या होता है, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये मतलब होता है कि आप हर मंथ एक म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर ली, मतलब कि आपने हर मंथ उसमें 500,000 जो भी आपका एसआईपी है अमाउंट है उस हिसाब से आपने पे करने लग गए और वो धीरे धीरे ऐड होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो है ये 4,000-4,000 के, ये मेरा 4 EMI इनकी इनकी मेरी 4 SIP हो चुकी है 1,000-1,000 के, तो इस तरह आपको इसे समझना होगा कि SIP में जनरली क्या करते हैं आप पर मंथ पे करते हैं। अब SIP जो होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, अगर आप सोचे कि मैं 3 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई वुड सजेस्ट कि आप SIP ना करें, अगर आप सच में 15 साल 20 साल कम से कम 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जरूर SIP में। अब बात आती है लाइव NFO, NFO का मतलब ये होता है कि नए फंड्स जो आने वाले, जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे न्यू फंड ऑफरिंग,
न्यू फंड ऑफरिंग जैसे लार्ज कैप की एक 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक है डेट। जैसे आईपीओ होता है, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो आपको पता होगा, उसी तरह से यहाँ पे एनएफओ होता है, न्यू फंड ऑफरिंग्स। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आईपीओ में होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन वाला जो फंडा है वो सब कुछ नहीं है। बस एक नया फंड है, उसके अंदर आप स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका थोड़ा रहता है। एक बात मैं आपको यह और बताना चाहता हूँ कि आपको ये जानना चाहिए, जरूरी है कि आपका फंड मैनेजर कौन है, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसका एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी आप उसके अंदर देखिए। हो सकता है बीच में फंड मैनेजर चेंज हुआ और उससे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया हो, या ये भी हो सकता है कि फंड मैनेजर अच्छा होता आप उसके एनएफओ में इन्वेस्ट कर दे। तो ये सब पास्ट रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोमोटर्स को इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त हम प्रोमोटर्स देखते हैं कि कंपनी के मालिक कौन है। जैसे मुकेश अंबानी अगर रिलायंस जियो के मालिक है, या गौतम अदानी अदानी ग्रुप के मालिक है, तो हम सोचेंगे कि हाँ ये लोग अपनी कंपनीज को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे डीमार्ट के काफी बढ़ने का एक बड़ा कारण है कि दमानी उसके मालिक है, इस तरह की चीज। ऐसे ही फंड मैनेजर का भी काफी इंपोर्टेंस होता है किसी भी नए फंड को बनने में। अब बात करते हो बेटर देन एफडी कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला है, सेक्टर बेट्स है, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है यूएस इक्विटी फंड। तो ये इस तरह से मैं डायरेक्टली एक म्यूचुअल फंड के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इनके बारे में हम और आगे फ्यूचर में जानेंगे अगली वीडियोज में। इस वीडियो के अंदर हमें बेसिकली यही देखना था कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, पूरा इसका एक सेटअप कैसे इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको इसमें इन्वेस्ट करना एक मैं बता देता हूँ। जैसे कि टैक्स सेविंग में हम गए, तो इंडिया में ज्यादातर लोग टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड में जाते हैं। तो ये कुछ हमें टैक्स सेविंग के फंड्स दिए गए, तो इनमें आप देखिए कुछ 4 स्टार है, 3 स्टार है, इस तरह के फंड्स दिए। मैं यहाँ पर ऐसे सर्च कर लेता हूँ टैक्स सेवर फंड, तो और सारे और ज्यादा फंड भी आ जाएंगे। देखते हैं कि इससे हमें कुछ फंड्स मिल रहे हैं, जैसे IDFC टैक्स, निपोन इंडिया टैक्स, मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड, तो ये सारे फंड्स मिल गए। तो ये आप देखें मीरा टैक्स सेवर फंड, 1 ईयर रिटर्न इसका 21.55 है, 3 ईयर रिटर्न इसका 12.7 है, उससे ज्यादा में इसको 19, तो मतलब अप्रोक्स 19% रिटर्न मिला था इसको। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10% से ज्यादा रिटर्न देगा मुझे 3 साल में। तो टैक्स सेविंग में आप मंथली SIP भी कर सकते हैं, वन टाइम भी कर सकते हैं। उसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि फंड का ओवरव्यू क्या है। फंड ओवरव्यू यहाँ एक वीडियो से भी बताया, उसके अलावा आप इधर देखिए, यहाँ पे आपको ये दिया गया कि फंड कब स्टार्ट हुआ था 2015 में, फंड का साइज क्या है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ज्यादा बड़ा फंड यानी ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, कम बड़ा फंड यानी कम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कम पॉपुलर है। उस हिसाब से एक एक्सपेंस रेशियो होता है कि कितना परसेंटेज उसका एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो कम है मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है। NAV जो होता है वो नेट एसेट वैल्यू होता है। जैसा कि एक इक्विटी, अगर आपको एक शेयर खरीदना, मान लीजिए वो शेयर है 1000 रुपए का, तो आप उसमें 1000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करना होते हैं, और 1000 के मल्टीपल में आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 करेंगे तो 1 शेयर मिलेगा, 10000 करेंगे तो 10 शेयर मिलेंगे। यहाँ म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पे NAV है, इसका मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू है इस फंड की। तो ये जो 24.04 रुपीज, अब मैं चाहूँ कि मुझे 1000 रुपए डालना है तो उस हिसाब से प्रोपोर्शन में मुझे शेयर मिलेगा। जैसे कि अगर आप इसमें 12 रुपए डालते, अगर अलाउड किया इसने और आप 12 रुपए डालते, तो आपको आधा शेयर, आधी NAV मिल जाएगी, आधी यूनिट मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको टुकड़ों में यानी डिवाइडेड यूनिट भी मिल जाती है, अनलाइक की इक्विटीज। तो ये चीज आपको समझना है। अब बात आती है रिटर्न्स की। तो यहाँ देखिए, ये 2015 में स्टार्ट होता, तो 5 ईयर का एक्चुअल रिटर्न यहाँ पे हमें मिला हुआ नहीं है। सिंस इंसेप्शन आपको 19.3% रिटर्न मिल रहा है। अब कैटेगरी के हिसाब से आप देखेंगे तो 5 साल हो, 1 साल हो या 3 साल हो, दोनों में ये बेटर क्या है। और उसके ओवरऑल फंड में भी इसकी रैंक 4 या 5 रही है, तो मुझे ये एक अच्छा फंड मिल रहा है इसकी कैटेगरी में अभी तक के हिसाब से, और कंसिस्टेंट भी है। अब आप ये देखेंगे कि अगर किसी ने 1 साल पहले इसके अंदर पर मंथ 1000 रुपए की SRP की होती, तो 60,000 रुपीज आप पे करते और आपको 65,718 मिलता। तो इस तरह से आप इसका एक एनालाइज कर सकते हैं कि आप 3 साल के अगर SIP कर रहे हैं, 1 साल की कर रहे हैं, तो आपको कितना रिटर्न अप्रोक्स मिलेगा। ये इनके जो रिटर्न प्रीवियस ईयर में है उसके हिसाब से, तो आप उसको एग्जैक्ट लेके नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट ऐसा नहीं है कि पास्ट रिटर्न फिर वैसा का वैसे ही होगा, अगले साल भी 21.6 रिटर्न होगा, वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस साल हमें कोरोना की वजह से इतना रिटर्न मिला। तो एक कंपैरिजन है कि इसके अलावा जैसे केनरा और रिबेको है, मिराय एसेट का जो आपका खुद का फंड है, इन सबको देखिए, सबसे ज्यादा साइज है आदित्य बिरला और एक्सिस लॉन्ग टर्म की, और थर्ड नंबर पे इसकी साइज दिख रही है।
ये जो तीनों है इनको 5/5 star रेटिंग मिली है, इनको 4 star मिली है। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं इन्वेस्ट किया था तो एक्सिस लॉन्ग टर्म की भी 4/5 star रेटिंग थी, और ये बाकी दोनों की नहीं थी, बस मीरा एसेस तो और एक्सिस लॉन्ग टर्म, जिन दोनों में मैंने इन्वेस्ट किया वो 5 star था। उनमें से एक्सिस लॉन्ग टर्म इतना अच्छा नहीं गया, इस वजह से ये 4 star हो गया। तो उसका मैं आपको बता भी देता हूँ कि जैसे ये मेरा 25,000 चल रहा है अभी, 20,000 इन्वेस्टमेंट पे, और वो 22,000 ही चल रहा है एक्सिस लॉन्ग टर्म। तो ये एक चीज है, जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो एक्सिस लॉन्ग टर्म ज्यादा बेटर था, आज की तारीख में नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब प्रोज क्या है कि इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो, जैसा मैंने कहा कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर है। एग्जिट लॉट इज जीरो, मतलब जब आप पैसा निकालेंगे उसके उस टाइम पे आपको कुछ पैसा फी नहीं देना होगी। और एक ईयर का रिटर्न क्या है, 3 ईयर का रिटर्न क्या है, ये सारा इसका प्रोज दिया है, कौन सी इनको अभी मिलेनी है। और मैं भी कह रहा हूँ कि अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, मतलब यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन वाला नहीं है, बट इस तरह से आप बाकी में भी एनालाइज करेंगे। जैसे टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर ये फंड है, वैसे ही अलग अलग कैटेगरीज के अंदर फंड है, जिसके बारे में हम और वीडियोज में भी देखेंगे, और यहाँ पे आप खुद भी इसको इस वीडियो को देख कर एनालाइज कर सकते हैं। अब होल्डिंग एनालिसिस देखे इन्होंने कि टोटल 58 सिक्योरिटीज है, फिर ये देखे कि ये 99.5% पैसा इक्विटी में लगा चुके हैं, और सिर्फ 0.5% इनका पैसा है जो अभी कैश पड़ा है। अभी सेक्टर वाइज एलोकेशन बताया कि ऑटोमोबाइल में 6% है, एनर्जी में 11% है, फाइनेंशियल यानी बैंकिंग में 35 सबसे ज्यादा है। तो आप ये भी देख सकते हैं दो फंड में कि क्या क्या उसका अलग अलग रेशियो है उनका सेक्टर एलोकेशन। तो दोनों दो एक फंड है जिसमें फाइनेंशियल में 35% है, दूसरा फंड है जिसमें टेक्नोलॉजी या FMCG में ज्यादा है, तो आप उन दोनों में लगा दीजिए तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। तो और फिर कुछ जो टॉप होल्डिंग्स है वो इसमें बताइए, ये जैसे 9.6% HDFC में है, 7.2% इन्फोसिस में, इस तरह से देखिए आप पूरी होल्डिंग बता दी इन्होंने। तो आप इसको अपने हिसाब से कॉपी भी कर सकते हैं, पर आपके पास इतना पैसा है ही नहीं कि आप इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दे, तो इसलिए बेटर होता है कि म्यूचुअल फंड में करके आपका बेटर डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। अब नीलेश शर्मा, अगर आप चाहे तो लिंक्डइन या और भी तरह से फंड मैनेजर के बारे में पता कर सकते हैं, तो थोड़ी आपको डिटेल मिल जाएगी। या थोड़ी जैसे BE मैकेनिकल है, MBA इन फाइनेंस है, एक्सपीरियंस कितना है, कितने फंड मैनेज करते हैं किए हुए, ये सारा मिल जाएगा, इस फंड का डिटेल्स है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होती है। एक और लास्ट पॉइंट जो मैं इसके अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करने के पहले बताना चाहता हूँ, वो हम ये है कि हम दो फंड को कंपेयर करना सीख जाते हैं इसके अंदर। तो एक्सप्लोर में जाएंगे और कंपेयर फंड्स पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक टैक्स पे ही जाते हैं, तो टैक्स में मान लीजिए मेरा एसेट पे चले गए, दूसरा फंड है मान लीजिए वो है अपना एक्सिस, और तीसरा है आपका कैनरा रोपेको, तो ये तीनों टैक्स सेवर फंड हो गए। अब ये आप देखिए कि तीनों का रिटर्न ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है, क्योंकि टैक्स वाले ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है रिटर्न के अंदर। बट यहाँ पे आप देखिए कि ये ग्रीन में जो है मेरा एसेट वो नीचे से ऊपर जा रहा है, कैनरा रोबेको ऊपर ही है, ये 1 साल का। ये देखिए 5 साल के अंदर मेरा सबसे बेटर था, बहुत ज्यादा गिरा और फिर वापस सबसे ऊपर हो गया। तो ये एक चीज है, ये ऐसी चीज है आपको समझनी, ये आप रिटर्न से इसको समझ रहे हैं, फिर आप इसके अंदर फंड डिटेल से समझ रहे हैं। तो तीनों मॉडरेटली हाई रिस्क है, तीनों का मिनिमम है, इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है तीसरे वाले का, कैनरा रोबेको का, और सबसे कम है मेरा एसेट का। तो अगर आपको तीनों में से किसी एक में इन्वेस्ट करना है, एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से, सब चीज के हिसाब से मेरा एसेट बेटर लग रहा है, लेकिन आपको और भी काफी चीजें देखनी होती है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इसके अंदर आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको ज्यादा बेटर पड़ रहा है। 1 साल के रिटर्न में कैनरा रोबेको सबसे बेटर है, और 5 साल के अंदर तो 5 साल पहले मेरा एसेट बना ही नहीं था, तो ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है नहीं इनकी, ज्यादा बड़ी हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें प्रोस कौन सी, ये सब समझना होगा आपको, ये थोड़ा डिटेल्स में आपको एनालिसिस है। तो इस तरह का हो सकता है, दूसरे एप्स और वेबसाइट भी हो सकता है आपको बताए, लेकिन मैं ये यूज करता हूँ इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसके अंदर कहीं भी कोई प्रोमोशनल एक्टिविटी या ऐसा कुछ। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, या किस टाइप के आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोज देखना है, उन सबका मुझे डिटेल्स बताइए कमेंट करके, या और भी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था उस तरह से मुझे बताइए, सो दैट मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ और बेटर बना सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।